हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये ब्लॉग मुजफ्फरपुर से पटना तक का है और हम लोग इसमें घूमेंगे महावीर मंदिर जो पटना में स्टेशन के पास है। तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन पे हैं और ट्रेन पकड़ चुके हैं, ट्रेन में हैं और पटना के लिए जा रहे हैं। मुझे सोने को
और ये देखिए, ये जो है ये एयरपोर्ट है, आपको दिख रहा है। अब हम लोग पटना पहुंच चुके हैं और हम लोग घूमने जाएंगे महावीर मंदिर, पटना का सबसे फेमस मंदिर। ये पटना का जैक्सन है, ये देखिए। और बाहर में कितना खूबसूरत बुद्ध जी का, चंद्रगुप्त मौर्य का कितना अच्छा पिक्चर बना हुआ है ना। तो ये बहुत खूबसूरत जैक्सन है। ये स्टेशन के पास है और हम लोग अब इसमें जाने वाले हैं। तो ये देखिए, और ये महावीर मंदिर। ये अब जो हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे ये देखिए चप्पल रखने वाला है, तो मतलब कि वहाँ पे आप जाकर और मतलब चप्पल रख सकते हैं। और ऐसे में हम लोग बाहर चप्पल रख रहे हैं। तो ये मेरा भाई का है और फिर मैं चप्पल रख रही हूँ। चप्पल रखकर अब जा रहे हैं हम लोग, पैर हाथ धो लेंगे। ये देखिए, यही चप्पल का मतलब कि जो है वहाँ पे रखा जाता है, सीता जाता है। और बगल में जो येलो कलर का था, वही था। अब हम लोग पैर हाथ धो ले रहे हैं। अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, इधर साइड से मंदिर है। ये देखिए, यही मंदिर है। और सामने में जो मतलब गार्ड वार्ड भी बैठे हुए हैं। लोग मंदिर में आ चुके हैं। और ये देखिए, साइड में लड़कों का है, मतलब कि ये देखिए इधर साइड लड़के हैं का अलग है और लड़की का अलग है। तो ये देखिए, लड़के सब लोग जा रहे हैं, ये लड़की का अलग है। तो अब हम लोग जा रहे हैं भगवान के पास, उनका दर्शन करने। ये देखिए, हम लोग दर्शन हनुमान जी का कर लिए। और ये हम लोग, मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो ये देखिए, आप बगल से आप उसके साइड जो नीचे के ग्राउंड में है, तो ये देखिए वहाँ पे ये है, संत है। और ये यहाँ देखिए ध्वज गाड़ा हुआ है, ये बगल का गेट है। उधर की सीढ़ी से, सामने जो सीढ़ी दिख रही है, उधर से लोग आते हैं, उधर से चढ़ते हैं और फिर इधर से ही नीचे उतरते हैं। जिधर से आए उधर से नहीं जाया जाता है। क्या देखिए, ये निकाश लिखा हुआ है यहाँ पर। इधर से लोग निकलते हैं। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं जो महावीर मंदिर में हमें चुंदरी मिला है और ये फूल है, ये देखिए ये फूल है, और प्रसाद भी मिला है।
और प्रसाद मिला है जिसमें एक बड़ा सा नारियल है। हमें यहाँ प्रसाद मिला है। ये डिब्बा आप बिना भगवान पे चढ़ाए नहीं खा सकते हैं। महावीर स्थान से हमें ये तेल भी मिला था और ये जो चंदन मिला था वो भी और नारियल भी मिला था। और ये देखिए हम लोग ने खरीदी है वहीं पर श्री भगवत गीता खरीदी हूँ। तो ये दुंदरी भी मिला था तो मैं उस समय दिखाई थी। और ये देखिए अब हम नीचे आए हैं। अब हम ऊपर मतलब कि इसके बगल में जा रहे हैं। तो ये देखिए ये मंदिर है और मंदिर के मतलब मंदिर के बगल में और सीधे जो जाएंगे उधर साइड से तो आपको है ना मतलब कि शिव जी का दर्शन होगा। यहाँ पे हर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। देखिए सब लोग हनुमान चालीसा इस साइड लड़की लड़का का है और साइड लड़की पढ़ती रहती है और मतलब महिला इस साइड पुरुष का है। तो के हर लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा मोबाइल से हो या तो किताब से हो किसी भी चीज़ से पढ़ते रहते हैं। और यह देखिए ये शिव जी का जय भोलेनाथ। देखिए सारे लोग पढ़ रहे हैं। अभी ये माँ हनुमान जी का जो है उधर साइड का है चार बोल से जो था। यहाँ देखिए हवा के लिए ये भी रखा हुआ है। अब हम लोग इस यहाँ से निकल रहे हैं जो नीचे वाला है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये देखिए अब हम लोग इसके साइड से जो मतलब कि है वहाँ पे जाएंगे। और देखिए वहीं से मतलब कि नीचे ही मतलब फ्लोर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चंदन जो चंदन है यहाँ का चंदन के लिए लोग कैसे हम भी चंदन ले लेते हैं भगवान अपने लगाने के लिए। यहाँ का चंदन जो इसमें होता है वो कभी नहीं कमता है यहाँ पे रखाते रहते हैं। और चंदन ले चंदन ले ले और ले ले हम लोग जा रहे हैं उसके बगल में मतलब पीछे था जैसे हम लोग आए थे तो सीढ़ी पे निकाल के चढ़ेंगे तो आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। और देखिए बगल में सरस्वती माँ है और यहाँ पे देखिए राम जी लक्ष्मण जी सीता जी हैं। और ये मेरे भाई प्रणाम कर रहे हैं। ये राम लक्ष्मण जी सीता जी हैं। इस मंदिर में जैसे हनुमान चालीसा की किताब हो जाए ये सब लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और रख देते हैं। यहाँ पे ऐसे ही किताब रखे रहते हैं और जिनको मन होता है वो आके यहाँ पढ़ते हैं। और चालीसा ये देखिए स्टेशन के पास से और ये स्टेशन है सांपर से तो उसके दूसरे फ्लोर से स्टेशन दिखता है। अब हम लोग जा रहे हैं उसका जो बगल में है वो भगवान गणेश जी हैं। ये देखिए और यहाँ पे बगल में पानी पीने वाला भी है। और यहाँ पे सब लोग जो जो लोग को देखिएगा सब हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं।
और मतलब सुबह शाम सब ये सामने में किताब दिख रही हूँ, पूरा हनुमान चालीसा और बाकी का ये सामने जो वाइट कलर का आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें पूरे मंत्र मंत्र हनुमान जी की सारी बातें बातें लिखी हुई है। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दर्शाया हुआ है किस तरह पार्वती जी शिव जी की तपस्या की थी और उन्हें पाई थी। तो ये देखिए ये शिव जी खड़े हैं और वो पार्वती जी इनकी पूजा कर रही हैं। ये देखिए और इस कितना खूबसूरत है ना ये मंदिर बना हुआ और ये इसके ऊपर में सब जगह झूमर लगा और ये देखिए राम मंदिर है जो अभी बनने वाला है। राम मंदिर कितना खूबसूरत राम मंदिर है ना। और ये देखिए भैया ये देखो ना, ये देखिए ये राम सेतु का जो पत्थर है वो है यहाँ पे, ये देखिए पानी में है जो। माँ है जो राम जी को अपने प्रेम से उनके लिए जो बेर मीठे मीठे बेर उनके लिए रखती है उनका है। ये देखिए राम जी हाथ में बेर भी लिए हुए हैं ये, और ये है लक्ष्मण जी और ये राम जी और ये माँ है सबरी जो कि है ना बेर को मतलब चख लेती थी कि वो खट्टे हैं या मीठे हैं, खट्टे होते तो फेंक देती थी और मीठे फल उनके लिए रख देती थी। श्री कृष्ण है और ये अर्जुन है। जीवन का हर एक बात जो आप श्री कृष्ण की लिखी हुई गीता से आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए माँ और छोटी सी कन्हैया थे फिर जरूर
ये ऊपर का देखिए झूमर कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये ऊपर का डिजाइन बहुत सुंदर है। और हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और ये देखिए सामने पीछे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमें पूरी सब्जी भी खिलाया गया, और ये देखिए ये भैया और ये भैया ने खिलाया, तो अब हम लोग खाना वहाँ पूरी सब्जी खा कर अभी जा रहे हैं वहाँ का प्रसाद। अभी आते हैं आगे से, लेकिन लोग को जानते हैं इस तरह से, और पीछे घूम के नहीं जाया जाता है, लोग घूम के जाते हैं। ऐसे घूम के आना चाहिए, सही बोल रही हूँ। यह देखिए महावीर मंदिर है, ये जो बहुत खूबसूरत मंदिर है, जब भी पटना आए बिहार आए तो यहाँ जरूर से जरूर आए। और हमारा पूरा ब्लॉग देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को। हम महावीर मंदिर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर में हमें प्रसाद भी मिला। ये प्रसाद बनाने के लिए साउथ के कारीगर आते हैं यहाँ, और हम लोग जा रहे हैं अब मुजफ्फरपुर पटना आए थे, पटना ही में महावीर मंदिर है। जाइए, उस सब में भीड़ कम रहता है, जाइए चीजिंग में। हाँ पटना लगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत।